राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा जन्माष्टमी के मौके पर उज्जैन स्थित गुरु सांदीपनी आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने पूरी विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण बलराम की पूजा अर्चना की। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर राजस्थान के मुख्यमंत्री बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। सोमवार की सवारी निकलने से पहले सीएम भजनलाल ने पालकी का पूजन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धार्मिक यात्रा पर उज्जैन पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने भगवान महाकाल का पूजन किया। इसके बाद सांदीपनी आश्रम पहुंचकर वहां भी पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पथ गमन का निर्माण करेगी। भादो मास के पहले सोमवार और जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में कई VIP आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। इस कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। उन्होंने सवारी के मंदिर से निकलने के पहले पालकी का पूजन भी किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम पहुंचे। सांदीपनी आश्रम में सीएम भजनलाल ने विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण बलराम और उनके गुरु सांदीपनी की पूजा अर्चना की। उन्होंने ABP न्यूज से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने से चर्चा की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन स्थानों का विकास किया जाएगा जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखने को मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार मिलकर श्री कृष्ण पथ गमन का निर्माण करेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप जानापाव, धार के अमझेरा, उज्जैन के सांदीपनी आश्रम और नारायण धाम प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा कई और स्थान पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ सांवरिया सेठ मंदिर, श्रीनाथ मंदिर, नाथ द्वारा, खाटू श्याम आदि विशेष मंदिर है जिनका जिक्र भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये आज का संगम नहीं है, ये बहुत पुराना संगम है। मैं ब्रजभूमि से भगवान कृष्ण की जन्म स्थली से आया हूं और भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली यानी गुरुकुल उज्जैन भोले बाबा महाकाल की नगरी में, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन में हुई थी। मैं सुबह ब्रज में था, मथुरा की धरती से आया और मैं भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से उनके गुरुकुल उज्जैन में पहुंचा हूं। राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर कर श्री कृष्ण पथ बनाने की घोषणा की है और मैं कह सकता हूं कि श्री कृष्ण गमन पथ जो भगवान कृष्ण शिक्षा लेने के लिए मथुरा से आए थे, वो जिन जिन स्थानों पर होकर के आए थे, हमारे जो पौराणिक स्थान हैं उनको विकसित करने का काम भी करेंगे और निश्चित रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा ये काम होगा कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से लेकर के उनकी शिक्षा भूमि गुरुकुल तक ये गमन पथ बनेगा। इस अवसर पर मैं सभी मध्य प्रदेश के बहन और भाइयों को और राजस्थान प्रदेश के सभी बहन और भाइयों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मान्य मोहन यादव जी और हमने मिलकर के ये लिया है और श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें बहुत सारे मंदिर होंगे, उसकी सूची आपको दी जाएगी, चाहे भरतपुर का बांके बिहारी मंदिर हो, द्वारकाधीश का मंदिर हो, ये जितने भी उनके आगमन के चिन्ह हैं उनको विकसित किया जाएगा। जय श्री महा। ये मैं आपसे कहा कि ये संयोग है, आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैंने माँ श्रीनाथ जी और गिरिराज जी की पूजा की और शाम को मैंने बाबा महा काल की मैंने पूजा की है। ये आप समझ सकते हैं कि महाकाल लोक जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक बनाया है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा और बहुत ही कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का काम किया। चलिए चलिए।